अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम अपनी वर्कबुक के ऊपर पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस पासवर्ड को या किसी भी आपकी वर्कशीट के अंदर पासवर्ड आपने लगाया हुआ है तो आप किस तरह से उस पासवर्ड को ख़त्म कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर से। इसके लिए सिंपली आपने करना क्या है कि वही वाली वर्कशीट मैं दोबारा खोल लेता हूँ और यहाँ से मुझे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ सबसे पहले वही वाला और इसको ओपन कर लेते हैं। अब पासवर्ड हटाने का तरीका आपके पास है कि आप वापस अपने फाइल के टैब में जाएं और वर्कबुक में चले जाएं। अब इनक्रिप्ट विद पासवर्ड जो है, अब इस पर दोबारा आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके पास पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। आपने करना क्या है, इस पासवर्ड को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ ओके का बटन दबाना है तो ये पासवर्ड जो है आपकी शीट से हट जाएगा और आपने सेव कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट को। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो ये विदाउट जो है पासवर्ड के ओपन हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें मसला नहीं है कि अपनी इनक्रिप्ट वाले इस पर ऑप्शन पर क्लिक करें, पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, इसके पासवर्ड जो है यहाँ से रिमूव करें, इसको ब्लैंक रहने दें, ओके कर दें, आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। अपनी शीट को सेव कर लें और आपका पासवर्ड इस शीट के ऊपर से रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि सिक्योरिटी टिप्स, यानी कि अपने इनक्रिप्शन लगाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप इंक्रिप्शन जो लगा रहे हैं उस पर सिक्योरिटी टिप्स जो हैं आपके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट उसमें आपको बता देता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।